खबर वाराणसी से है। हाथरस की बेटी के साथ हो रहे अन्याय का वाराणसी में चौतरफा विरोध। न्याय के लिए व उसके मृत्यु के पश्चात पूरे देश में आम लोगों सहित समाज सेवी व राजनीतिक दलों में उबाल नजर आ रहा है। लोगों का विरोध अलग अलग तरह से लगातार दिखाई पड़ रहा है। एक ओर जहां पूरे देश में लोगों ने श्रद्धांजलि देने की मुहिम छेड़ी, वहीं दूसरी ओर वाराणसी में युवा नेता हरीश मिश्रा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कफन का सेल लगाया। हरीश मिश्रा ने कहा कि एक ओर जहां लगातार यूपी में रेप बलात्कार हो रहे हैं, वहीं सरकार वर्चुअल रैली में व्यस्त है। इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में पूरी तरह नाकाम है। वहीं दूसरी ओर इनको कफन तक नसीब नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोगों ने कफन की दुकान लगाकर अपने विरोध को दर्शाया है। कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर की नारेबाजी। वाराणसी से हमारे संवाददाता कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। आज किस लिए बैठे धरने का, क्या कर रहे हैं? देखिए, ये मेरे हाथों में जो कफन है, ये कफन का आज सेल लगाया गया है बनारस के सड़कों पे। और आपको मालूम होना चाहिए कि योगी की सरकार जब से बनी है, पूरे प्रदेश में हत्या, लूट और बलात्कार का ग्राफ बड़ी तेज़ी से ऊपर आया है। सन 2017 से पूरी तरीके से योगी सरकार जो है अपराध को रोकने में नाकाम रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो व्यापार में, चाहे जितने भी व्यापार हैं, वो मंदी के कगार पर हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनने के बाद यह कफन का जो धंधा है, ये बड़ी तेज़ी से इसका जो है ग्राफ उठा है और ये बड़ी तेज़ी से बिक रही है। तो हम उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार है, उसके नाकामी के खिलाफ आज बनारस के सड़कों पर कफन का सेल लगाए हैं। और योगी सरकार से कहना चाहते हैं कि आप बहन बेटियों की सुरक्षा में नाकाम रहे, आप जो है लोगों को रोज़गार देने में नाकाम रहे हैं। लोग आज जो है रोटी के लिए आत्महत्या कर रहे हैं, अपने बहन बेटियों की शादी के जो पैसे के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं। कोई दवाई के लिए अस्पताल में मर रहा है, तो कोई न्याय के लिए थाने में मर रहा है। तो मौतों का दौर बड़ी तेज़ी से जारी है और पूरे प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश के बजाय पूरा उत्तर प्रदेश हत्या प्रदेश है। तो ऐसे में यह कफन का धंधा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोग बनारस के सड़कों पर कफन का सेल लगाए हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए ज़्यादा विशेष यहाँ छूट दी गई है, एक पर एक फ्री दी गई है, ताकि उनके भी घर अगर ऐसा कुछ होगा तो उनको दर्द महसूस होगा। और योगी जी से जाके कहेंगे कि एक गरीब घर की बहन बेटी का जब बलात्कार होता है और उसको उसके घर में जब लाश नहीं दी जा पाती है, उसके बहन बेटियों के ऊपर जब कफन नहीं चढ़ता है, तो उसको किस तरीके का दर्द होता है। तो इस तरीके का ये एक मार्मिक और सांस्कारिक प्रहार है योगी सरकार के ऊपर। जी, इससे लगा क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि पूरे उत्तर प्रदेश में मौत का दौर जारी है और पूरी तरीके से जो है कि सारे धंधे ठप हैं, लेकिन कफन का धंधा एकदम तेजी से चल रहा है। योगी सरकार पूरी तरीके से फेल है और पूरे उत्तर प्रदेश में लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। हिंदू धर्म में मान्यता ये है कि जो भी लोग मरते हैं, जो कुंवारे होते हैं, उनको हरदी लगाने की एक तो परंपरा है, उससे वंचित रह गई है। देखिए, हिंदू धर्म और हिंदू धर्म का पहाड़ा पढ़ करके नरेंद्र मोदी और योगी जी जो है शासन और सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन उनको खुद हिंदू धर्म की परंपरा और संस्कार का कोई जानकारी नहीं है। एक कवारी जब बहन बेटी मरती है, या कवारी कोई कुंवारा कोई नौजवान मरता है, तो उसका जो है रस्म होता है, उस पर हल्दी लगाया जाता है। आप हाथरस के उस जो मनीषा थी, उसकी माँ का आप बयान सुने होंगे, वो रो रो करके योगी सरकार के पुलिस से कह रही थी कि हमारी बेटी का लाश दे दीजिए, हम कम से कम हल्दी लगा। लेकिन निर्मम पुलिसकर्मियों ने ले जा करके निर्जन स्थान पर एकांत में पता नहीं किस तरीके से, कौन सा संस्कार से उस बेटी का जो है दाह संस्कार कर दिया और उसे बिना कफन का जला दिया। यह आक्रोश और यह कफन का सेल उसी के खिलाफ है। पूरे प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लोग मारे जा रहे हैं, उसके खिलाफ यह कफन का सेल लगाया गया।